अस्सलाम वालेकुम, बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं स्कूल आया हूँ तो आगे चल के अगर हुआ तो हम वाइंस भी बनाएंगे, आपके साथ वाइंस भी शेयर करेंगे, वाइंस की वीडियो बनाएंगे और अगर वो प्रैंक्स भी बनाएंगे, ये जिस तरीके से बिफोर पकाओ प्रैंक्स बनाते हैं, हम भी उसी तरीके से प्रैंक्स बनाएंगे। ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? आज कैसे आना होगा मेरे पास? बस इसी हवाले से मैंने आपको बताया था, ब्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट किया है तो उसी हवाले से मैंने बनाना था। आज स्टूडियो में अली भाई आप आए हैं तो पीछे एक ग्रीन कपड़ा भी लगा हुआ है, इसकी वजह भी बता दें कि ज़्यादातर वीडियोस में जो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ये क्या इस्तेमाल होता है, ग्रीन क्या होता है, इसके बारे में बता दें। चलिए ठीक है, शुक्रिया। अभी मैं स्टूडियो आया हुआ हूँ, ये आप पीछे देख रहे होंगे ग्रीन ये पर्दा है, तो ये हमारा स्टूडियो है तो हम यहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, यहीं पर हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, तो इसी हवाले से मैं यहाँ पर आया हूँ स्टूडियो में अपने। तो आपसे बात यही करनी थी कि हम स्टूडियो में किस तरीके से वीडियो बनाते हैं। ये ग्रीन पर्दा क्यों लगा हुआ है? इसलिए लगा हुआ है कि हम यहाँ पर आसानी से जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर खड़े हो गए, हमने वीडियो बनाई, अब मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड पर कोई भी चीज़ आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड पे पानी आ जाए, वाटर आ जाए, तो मैं आसानी से जो है ग्रीन पर्दे के ज़रिए, एडिटिंग के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है मैं आसानी से चेंज कर सकता हूं। इसी हवाले से अगर आप ग्रीन पर्दे में वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए आपके पास लाइटिंग जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। किस हवाले से ज़्यादा होनी चाहिए? कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डिम लाइट में कर रहे हो तो डिम लाइट में आपकी वीडियो कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। हम यहाँ पर फोटोशूट वगैरह भी करते रहते हैं, ये फोटोशूट यहाँ पर अवेलेबल, किसी को बैकग्राउंड जो भी चेंज करना होता है हम उसी हवाले से हम चेंज कर देते हैं। इस हवाले से वेडिंग शूट होती है, वेडिंग शूट के भी हम बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। हमारा पूरा अवर क्लिक्स स्टूडियो के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, आप वहाँ पर भी जाएँ, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमने यहाँ पर लाइटिंग वगैरह की हुई, हमने ये पीछे बैकग्राउंड है पूरा, यहाँ पर भी हमने एक लाइट लगाई हुई है, लाइट देख रहे हैं, स्टूडियो है।